क्या आप ऐसा रिसर्च कर सकते हैं कि 6 महीने की उम्र के बच्चे की मैथमेटिकल एप्टीट्यूड कितनी है, उसमें कोई जेंडर डिफरेंसेस है या नहीं, वो लड़कियों में ज्यादा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है या लड़कों में, कैसे छोटे बच्चे को आप यार मैथमेटिकल टेस्ट करवाओगे, उसको टेस्ट करवाओगे या फिर दूध पीने के लिए बोलोगे। जेबी मूवी क्राफ्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर जय बदियानी। इस सीरीज में हम इंटरेस्टिंग रिसर्च पेपर को समझने की कोशिश करते हैं और फिर आपके सामने रखते हैं। ये फनी भी है, ये इंटरेस्टिंग भी है, पर ये जरूरी है। ऐसे कुछ रिसर्च पेपर यहां पे हैं जिससे कि आप बोल उठेंगे कि वाह भाई मजा आ गया। प्लीज कमेंट इफ यू लाइक और डिसलाइक, और कृपया इस फ्री चैनल को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 जुलाई 2018 में एनपीजे साइंस ऑफ लर्निंग नाम के जर्नल में पब्लिश हुए इस आर्टिकल को लिखा है एलिसा जे करसे, एमिली जे ब्राहम, कैल्से डी सुमिता, मेलिसा ई लिबरेटस और जेसिका एफ कैंटलन ने। इस आर्टिकल का टाइटल है नो इंटरेस्टिंग जेंडर डिफरेंसेस इन चिल्ड्रंस अर्लीस्ट न्यूमेरिकल एबिलिटीज। सो जेंडर डिफरेंसेस है या नहीं, ये कहां से आया भाई? सार्वजनिक चर्चाओं में ये आया है कि मैथमेटिक्स और साइंस की करियर में लड़के ज्यादा हैं, लड़कियां कम हैं। ये क्यों है? ये क्यों का कारण दो रिजल्ट्स को जन्म देता है। एक, वो जेंडर डिफरेंसेस डीएनए बेस्ड है, और दूसरा सोशियो कल्चरल इंपैक्ट या प्रभाव है, सोसाइटी का प्रभाव है, हम जो सिखाते हैं उसका प्रभाव है कि बच्चों को यानी कि लड़कों को साइंस और मैथ्स में ज्यादा जाना चाहिए। तो ये दो में से क्या है ये जानने की कोशिश यहाँ पे रिसर्चर्स ने की है। ये जेंडर डिफरेंसेस में ये दावा किया गया है कि डीएनए दोनों का अलग है, लड़के ज्यादा मैथ्स समझते हैं, लड़कियां कम समझती हैं। तो ये क्या डीएनए में है, ये क्या बेसिकली इनसाइड है या फिर कोई सोशियो कल्चरल इंपैक्ट है? तो ये दावे अगर सच है कि डीएनए में है ये, तो ये गणितीय क्षमता बहुत अर्ली एज में डेवलप हो जानी चाहिए या डिफरेंसेस अर्ली एज में डेवलप हो जाने चाहिए। रिसर्चर ने यहां पे 5 पब्लिश पेपर से डेटा संकलित किए, जो डेटा अनपब्लिश थे। रिसर्च पेपर पब्लिश्ड और डेटा अनपब्लिश्ड थे, उसमें 6 महीने से लेकर 8 साल की उम्र के 500 से ज्यादा बच्चों को गणितीय अनुभूति कॉग्निशन में जेंडर डिफरेंसेस की जांच यहां पे की गई। संख्यात्मक विकास के 3 प्रमुख की माइलस्टोन को यहां पे मेजर किया गया। एक, संख्यात्मकता की धारणा न्यूमेरोसिटी परसेप्शन एंड फॉर्मल सांस्कृतिक रूप से प्रशिक्षित गिनती फॉर्मल एंड कल्चरल ट्रेंड काउंटिंग और औपचारिक और अनौपचारिक प्रारंभिक गणित की अवधारणाएं, इनफॉर्मल एलिमेंट्स एलिमेंट्री मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। लड़के और लड़कियों के एवरेज परफॉर्मेंस और वेरिएबिलिटी के बीच सांख्यिकी अंतर और परीक्षण के अलावा रिसर्चर ने लड़के और लड़कियों के परफॉर्मेंस के बीच स्टेटिस्टिकल इक्विवेलेंस को भी यहां पर टेस्ट किया। संख्यात्मक विकास के सभी स्टेप्स के पर कंटिन्यूअस एनालिसिस से पता चला कि लड़के और लड़कियों में प्रारंभिक मात्रात्मक और गणितीय क्षमता में भिन्न नहीं है, ये दोनों अलग नहीं है। इससे कुछ कंक्लूजन मिल सकता है कि लड़के और लड़कियां बचपन में गणित के बारे में तर्क से समान रूप से सुसज्जित है। इस रिसर्च में 2 चीजें बहुत मजा देती है भाई। एक तो ये रिसर्च करने के लिए 6 महीने से 8 साल के बच्चों को कैसे मेजर किया, पहले ही बताया गया कि 6 महीने के बच्चे को कैसे आप मैथमेटिकल टेस्ट करवाओगे, और दूसरा भाई ये रिसर्च किया क्यों, जबकि हमें तो पता है कि जन्म के समय लिंग के अलावा दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। प्लीज कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, साथ बने रहने के लिए थैंक यू।